जबकि उनको मतलब ही सारा मेरे पैसों से था। जब आज मैं अपने बिजनेस पे, मम्मी के बिजनेस पे पैसे लगा रही हूँ, तो आज मुझे लात मार के फेंक दिया गया क्योंकि अब मैं किसी काम की नहीं रही। इस वीडियो के बाद एक ही दिन में हिमाचल वाले के 60 से 70 हजार सब्सक्राइबर कम हो गए। फ्यूचर जो सब्सक्राइबर वो अभी भी जो है कम होते जा रहे हैं। उनके साथ मैं इनके साथ खत्म कर चुकी थी, इनको ब्लॉक कर चुकी थी, लेकिन इन्होंने फिर भी वीडियो बनाई। क्यों? क्योंकि भाई व्यूज चाहिए थे। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको जो ट्रैवल के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो आज मैं कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर एक बात करूंगा। तो पहले तो मैं यार इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए और अपने व्यूज जो है मेरे को रखनी चाहिए। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, जो मेरा चैनल बनाया वो मैंने हिमाचल वाले को देख के ही बनाया था। तो मैं हिमाचल वाले से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, तभी मैंने जो है चैनल बनाया। अगर जो हिमाचल वाला नहीं होता, शायद मैं जो चैनल बनाने के बारे में नहीं सोचता। कल हिमाचल वाली, जो कि हिमाचल वाले की गर्लफ्रेंड थी, तो उन्होंने एक जो एक वीडियो बनाई द ब्रेकअप स्टोरी, जिसमें उन्होंने अपने ब्रेकअप का रीज़न बताया। और यकीन मानिए, जो ट्रस्ट करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन जो एलिगेशन लगाया शिवानी ने, तो उसे देखे तो ऐसे ही लगता है कि जो है सच्ची है, क्योंकि फैक्ट्स की बात जो पूरी तरह से हुई है। तो मैंने जो पूरी वीडियो देखी, तो इससे मुझे एक चीज़ समझ आ गया कि इंटरनेट की दुनिया वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। कैमरे के सामने लोग जो दिखावे के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने आप को काफ़ी अच्छा मानते हैं, और हम जो इसको सच मान लेते हैं। हिमाचल वाले की उनसे स्टार्टिंग से ही जो हिमाचल वाला हमसे झूठ बोलता आ रहा है। जब वो वीडियो आप लोगों ने देखी है ना, अफ्रीका से आए सब्सक्राइबर, तब मुझे ऑलरेडी 5 दिन हो गए थे उनके पास, उनके घर में आए हुए 5 दिन। तो वो भी एक स्क्रिप्टेड वीडियो थी, वो भी एक। शिवानी अफ्रीका से नहीं आई थी, वो 5 दिन पहले ही जो हिमाचल वाले घर आई थी। वो उन्होंने जो है पूरा स्क्रिप्टेड वो बना वीडियो बनाई, पूरा उनका पहले से स्क्रिप्ट फिक्स था कि हम ऐसा बोलेंगे वीडियो में, जो आपने वीडियो देखी हो जिसमें उन्होंने लिखा है कि अफ्रीका से आई मेरे से मिलने। ये पूरा का पूरा व्यूज के लिए था और स्क्रिप्टेड था। और हिमाचल वाले ने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया कि वो जो है 24 घंटे नशे में ही रहते थे। है 2-2, 3-3 डब्बियां जो MBD सिगरेट की निपटा देते हैं, वो टबैको वगैरह ये सब भी यूज करते हैं, गुटखा पान खैनी शैनी सब कुछ उनके मुंह के अंदर होता है। तो मतलब वो लोग वो 24 घंटे नशे में होते हैं, 24 घंटे नशे। तो यार रवि भाई, बीड़ी सिगरेट तक तो ठीक था, लेकिन जो है गुटखा खाने की क्या जरूरत थी यार। सीरियसली बोलूं तो पहले तो मुझे लगता था कि जो है शिवानी रवि का यूज कर रही है, लेकिन इस वीडियो के बाद तो कुछ और ही लग रहा है। तो लास्ट में यार मेरे व्यूज, तो जो भी एलिगेशन जो शिवानी ने लगाए हिमाचल वाले के ऊपर, तो अगर तो ये सच है तब तो जो है, तो यार हिमाचल वाले की रेपुटेशन में जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो वो तो दिख भी रहा है अभी जो है 60-70 हज़ार जो उनके सब्सक्राइबर है वो कम हो गए हैं। तो रवि को यार सामने आना पड़ेगा, उनको जो अपने व्यूज रखने ही पड़ेंगे। तो जो रिसेंट जो इनकी वीडियो है, तो उसमें तो आप देख ही सकती हो कि कॉमेंट में जो सपोर्ट है कि वी सपोर्ट शिवानी। तो मुझे लगता है कि जो अपना जो व्यूज है वो अपने रखेंगे। फेम के लिए मैंने पे किया इन टर्म्स ऑफ अ गिफ्ट, मैंने उनको 1 लाख का कैमरा गिफ्ट किया। अब आप बोलोगे भाई दीदी वो तो आपने गिफ्ट किया था, तो मैं आपको सच्चाई बता दूं यहाँ पर कि गिफ्ट वो होता है जो खुद से दिल से दिया जाता है, चाहे वो 10 रुपए का ही क्यों ना हो। मुझे यहाँ पर बार बार पोक करा गया, बार बार मुझे ये बोला गया कि अगर मैं ये स्पॉन्सरशिप करता, मैं किसको प्रमोट करता, तो मैं 1 लाख रुपए लेता, मेरी ये फीस बनती, मैं ये चार्ज करता, तो तू मुझे 1 लाख का कैमरा गिफ्ट कर। बार बार मुझे गिफ्ट मतलब पोक किया गया। तो यार मुझे स्टार्टिंग से लगता था कि जो ये सब है सारा पूरा का पूरा जो है स्कैम है। जैसी हिमाचल वाली जो रवि के घर आई, तो लगभग वो 2 से 3 महीने जो वहीं पर ही रही। उसके बाद भी वो जो बीच बीच में आती रहती थी, और जो है 2 से 3 हफ्ते जो वहीं पर जाती वहीं पर रह के जाती थी। या दोनों काफ़ी अच्छे व्यूज आते थे। तो यार जो मैं बोलने वाला हूँ शायद आपको अच्छी नहीं लगी, सबका अपना अपना एक कल्चर होता है, तो हिमाचल का कल्चर ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपनी बात करूँ, कल कोई लड़की जो मेरे से मिलने आती है, और तो यार मैं उनका वेलकम करूँगा, लेकिन ये हिमाचल का कल्चर नहीं है कि आप जो उनको 2-3 महीने आप घर में ही रखो, और उसके बाद आप जो है वहाँ पे जो मोहब्बत जो भी ये प्यार मोहब्बत है उनके साथ आप वो स्टार्ट करो। तेरी गर्लफ्रेंड किस बात की जब ये तेरी हेल्प ही नहीं कर सकती, 1 लाख रुपए दे नहीं दे सकती। भाई मतलब आपने मतलब लाखों रुपए की ऐसी छोटी बात समझ रखी है। उसके बाद आप कार लेते हो तो आप मुझसे 1 लाख रुपए लेते हो। मैंने 1 लाख रुपए इनकी कार के लिए दिया, लेकिन इन्होंने कहीं पे भी कुछ भी शो नहीं किया। जब मैंने 7-8 महीने बाद 8-9 महीने बाद वो 1 लाख रुपए वापस मांगे, तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि तू किस मुंह से पैसे मांग रही है, तू भी तो घूमी है इस कार में। तो जैसे कि जो है शिवानी ने बोला कि उन हिमाचल वाले ने उनका यूज किया थ्रू मनी और समथिंग एल्स, तो उन दोनों ने जो व्यूज के लिए अपनी जो पर्सनल लाइफ वो पूरी इंटरनेट पे ला ली, और बाद में एक दूसरे को अब एलिगेशन लगाएंगे, जिसमें कि जो भी जो रिस्पेक्ट थी वो दोनों की खत्म हो जाएगी।
ऐसा नहीं है कि हिमाचल वाली ने अब कुछ बोल दिया, अब जो हिमाचल वाला चुप बैठेगा, वो भी कुछ एलिगेशन लगाएगा जिससे कि जो है दोनों की जो आगे की ज़िंदगी है वो थोड़ी बहुत जो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हिमाचल वाला स्टार्टिंग से ही जो है सिंपैथी से अपना चैनल ग्रो कर रहे थे, वो आपने भी देखा होगा। अब अगर आप उनकी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आप देख सकते हो कि वो सारी वीडियो सिंपैथी से, जो व्यूज़ है वो सिंपैथी से ही आए। और जैसे कि हिमाचल वाली ने भी बोला, वो पूरी तरह से मनी माइंडेड थे, और जब तक जो शिवानी के पास पैसा था तब तो ठीक था। जैसे ही जो पैसा जो शिवानी ने इन्वेस्ट किया अपनी मम्मी के बिजनेस पे, और उन्होंने जो है उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। तो लास्ट में यार ये इंटरनेट की दुनिया है, कैमरे के आगे कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और। यार मुझे नहीं पता ये इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ ये सब नहीं होना चाहिए था। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको कुछ भी जानना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और किसी को हेट मत फैलाना कि आप जो है अब हिमाचल वाले के उस पर कुछ कमेंट करोगे, या हिमाचल वाले के उस पर कुछ कमेंट करोगे। ये सिर्फ मेरे व्यूज़ थे जो मैं आपके पास बता रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।